यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। यूपी के रायबरेली जिला आबकारी टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां जिला आबकारी टीम ने करीबन 80 लाख रुपए की स्प्रिट के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं जानकारी के मुताबिक स्प्रिट ट्रक के माध्यम से उत्तराखंड से रायबरेली ले जाया जा रहा था और दरअसल टीम को गुप्त सूचना मिली और उसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। एक ट्रक में भारी मात्रा में स्प्रिट सप्लाई किया जा रहा था, जिसके बाद टीम ने जगह जगह छापेमारी कर यह सफलता हासिल की है। साथ ही आपको बता दें कि स्प्रिट की मात्रा करीबन 12,000 लीटर है और जिसकी कीमत बाजार में करीबन 80 लाख रुपये बताई गई है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। तो जिला आबकारी टीम की ये बड़ी सफलता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई थी। उसी समय जो टीम थी वो एक्टिव हो चुकी थी, जगह जगह पर छापेमारी की गई थी और एक ट्रक में ये स्प्रिट बरामद किया गया है। पुलिस भी साथ में इस टीम के साथ मौजूद थी और पुलिस को ये पुख्ता जानकारी मिली थी, उसी के आधार पर तुरंत एक्शन में पुलिस भी आई, ये टीम भी आई और दोनों के साझा ऑपरेशन के तहत ही ये सफलता हासिल हुई है।